चौधरी फिरन डिया होए, ये देखो कोई मदद मांगना, ये मदद कर दा दे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। सलाम वालेकुम। सलाम चौधरी साहब, कोई मदद कर दे, थोड़ी परेशानी है। तू हटा कटा नौजवान आ, तेरी मदद मैं किसों कर देवा? अदी दिहाड़ी कमाया करो ते खाया करो, तुहानू मंगण दा बहाना बणिया होया एक वी अल्लाह दे नां ते मंग लो जाके जिन्ने मर्जी पैसे, इवें कौन दिंदा वार वार तुहानू पैसे? आदा कमाओ ते खाओ। चौधरी साहब मर्जी आ तुहाडी। चौधरी साहब ने तो मदद की कोई नहीं की। काले कपड़े वाला बंदा आ रहा है, यदा कोई मिंत्रला कारण है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी थोड़ी जी मदद चाहिए है, परेशानी है, बच्चे बीमार है। कितों आए हो? मैं जी इतने ही रहने वाला इलाके का जी। तो कम कार कोई नहीं करते? कम कार आज सामने है, जो हालात आ एक दिहाड़ी लगती है, तीन दिन वेलिया रहना पे। कोई अगे पता भी नहीं करते है? पता करने है जी, मतलब के लबे थे फिर ना काम। काम ही कोशिश करया करो ना, कोई काम करया करो। कोशिश करते रहने हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर ना लबे तो फिर की करिए। टेंशन ना ले, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। मेहरबानी। तू ले जा मेरे को, पर काम की तलाश करिए इंशाल्लाह जी। मेहरबानी, अल्लाह ताला कोई गल नहीं, खुश रखे जी। बंदा डर गया यार, भाई सट तो नहीं लगी, भाई सट तो नहीं लगी। सट तो नहीं लगी चौधरी साहब। खैरियत किवें डग पे तुसी? यार पता नहीं लग्या गा, बच्चा को नंगया। ओहो पर मोटरसाइकिल संभली नहीं, पता नहीं लग्या। यार बच्चियां दा बिना की आखी यार, मैं तेरी मदद कर नहीं सकया, मैं बड़ा शर्मशार हां। कोई गल नहीं जी, मेहरबानी है तेरी, तू मेरी मदद वास्ते आया, अल्लाह तेरा भला करे। कोई गल नहीं चौधरी साहब, अल्लाह ताला ने मदद करवा दी सी, एक नेक बंदा घाल दिता सी, मेरा मेरा काम हो गया। मैं बड़ा शर्म शुक्र शर्मिंदा यार। कोई गल नहीं, उठो, तैनू ये नहीं करना चाहिए। कोई गल नहीं, उठो। ਵੀਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਬੇ ਤਫੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਫੀਕ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਖ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ।